हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो महिला पर्यवेक्षक 2024, तो इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है, महिलाओं से संबंधित योजनाएं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसमें कि आपको हर एक चीज़ में मेहनत करना ज़रूरी नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप बिना मेहनत के और उनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, 100% उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे महिलाओं से संबंधित योजना है, तो इसमें आप अभी से क्या करो कि एक टेबल बना लो महिलाओं से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं। जैसे कि ऐसे टेबल बना लो कि एक तरफ योजना, एक कॉलम में आप योजना लिख लो, फिर योजना का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, संचालन कौन कर रहा है, उद्देश्य क्या है योजना का, और कोई सहायता दी जा रही है, आर्थिक सहायता, तो वो सारी चीजें। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना का नाम लिखना है पहले योजना के नीचे। अब इसका प्रारंभ कब हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के वनडे एग्जाम में मोस्टली यही पूछ लिया जाता है कि कब प्रारंभ हुई। तो इसका प्रारंभ हुआ है 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। अब इसका संचालन किसके अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसको हिंदी में बोला जाता है, और केंद्र प्रायोजित योजना, मतलब केंद्र सरकार संचालित कर रही है इस योजना को। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से कि कौन सी योजना राज्य सरकार की है, या फिर ऐसी कौन सी योजना है जो केंद्र और राज्य दोनों द्वारा चलाई जा रही है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप एक चार्ट पेपर या किसी A4 साइज में एक ऐसा चार्ट बना लोगे और रूम में चिपका लो सुबह उठते ही, और रात को सोने टाइम अगर एक बार देख लोगे कभी भी, तो ये तो बिना मेहनत के ये वाला टॉपिक महिलाओं से संबंधित योजना का आपका ऐसे ही रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपको मेहनत करनी है तो जो आपको टफ लगता है उसमें मेहनत करो, ये वाला कुछ चीजें अपने आप इजी बनाई जाती हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, और जिससे कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके, ठीक है। संस्थागत प्रसव मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सारी चीजों में डिलीवरी होना। अन्य सहायता, सहायता जैसे कि कोई आर्थिक सहायता सरकार दे रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना के लिए गर्भवती महिला को 1400 रुपए, 1400, और शहरी क्षेत्रों में 1000 दिए जाते हैं। तो इसमें सारी चीजें आ गई इस एक लाइन में, देखो एक ही। तो आप ऐसे टेबल बना लीजिए महिलाओं से संबंधित सारी योजनाओं की, बच्चों से संबंधित योजनाएं, योजनाओं का को कोई भी टॉपिक है, दो पन्ने में अपना टेबल बना के चिपका लो सीधे, सुबह उठते हो, रात को सोने टाइम, या कभी भी जब आपको मन लगे सन देख लिया उसका। और फिर इससे ये नहीं रहेगा कि आपको अलग से कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपका ऐसे ही रेडी हो जाएगा बिना एफर्ट के, ठीक है। मेहनत करो, लेकिन कुछ चीज़ों को अपने लिए इजी भी बनाओ, इससे तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आप अगर इसको चिपका लेते हो ऐसा टेबल बना के, या किसी बुक में पहले से योजनाएं लिखी हुई है उसमें टेबल बना है, तो उसी को फाड़ के चिपका लो। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि देखो आप अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है और इसको आप कितनी बार देख लोगे सॉरी। तो एग्जाम से पहले आप इसको 20 बार 30 बार तक देख लोगे अच्छे से इस टॉपिक को, तो इससे तो क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें, टिप्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी जब भी मुझे लगेगा कि हाँ आपको बताना चाहिए। इसी तरह एक योजना है, आप सारी योजनाओं का बॉक्स में बना लीजिए। जैसे मातृ व वंदना योजना है, कब प्रारंभ हुई, संचालन किसके द्वारा, उद्देश्य क्या है, कोई सहायता मिल रही है क्या इसमें, जो 6000 मिलते हैं, ठीक है, ऐसे सारी राशि लिख लो, सारी चीजें लिख लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।